नमस्कार दोस्तों, ओवरसेट टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विकास मदान है। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे फॉरेस्ट डोमेन और डोमेन ट्री के बारे में। अगर आपने नेटवर्किंग में अभी अभी स्टार्ट किया है या फिर आप नेटवर्किंग में आना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जो नेटवर्क के अंदर एंट्री करते हैं उनमें एक कन्फ्यूज़न रहती है कि फॉरेस्ट डोमेन क्या है या ट्री क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि डोमेन फॉरेस्ट और डोमेन ट्री में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, डोमेन को हम एक ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं एज पर थ्योरी। डोमेन को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर एक सर्वर होना जरूरी है और सर्वर के अंदर हम एक रोल ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। जब आप ये रोल ऐड करते हो तो हमारा ऑटोमेटिकली ये सर्वर डोमेन कंट्रोलर बन जाता है और एक एक्टिव डायरेक्टरी डाटाबेस तैयार हो जाता है। जब आप एक न्यू डोमेन बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क के अंदर एक फॉरेस्ट भी तैयार हो जाता है, यानी हमारा डोमेन नेम google.com है तो हमारा फॉरेस्ट नेम भी google.com ही होगा। अब डोमेन क्या है? डोमेन मीन्स इट इज ए लॉजिकल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स वेयर ऑल द यूजर्स शेयर द सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। डोमेन के अंदर जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, स्लाइड में दिखाया, नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्क प्रिंटर सभी डोमेन से कनेक्ट होते हैं। और इसकी सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने अभी बताई आपको, डोमेन इज ए लॉजिकल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट शेयर द सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी एंड मैनेज्ड बाय डोमेन कंट्रोलर। तो ये डोमेन कंट्रोलर है, ये कैसे तैयार हुआ? इसके अंदर हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस रोल ऐड करना पड़ा और जो फर्स्ट डोमेन तैयार होता है उसको बोलते हैं फॉरेस्ट रूट डोमेन। और जब कोई हम नया डोमेन तैयार करते हैं तो ऑटोमेटिकली न्यू फॉरेस्ट भी अपने आप ही बन जाता है। अब अगर मान लो आपकी कंपनी ग्रो करती है और आप चाहते हो कि कोई और ब्रांच आप खोले तो उसके लिए आपको चाइल्ड डोमेन बनाना पड़ेगा। चाइल्ड डोमेन मीन्स ऐसा डोमेन जो पेरेंट डोमेन से कनेक्ट होता है। अब ऐसे नेटवर्क के अंदर जहाँ पे एक आपका पेरेंट डोमेन है और एक आपका चाइल्ड डोमेन है तो इसको हम बोलते हैं डोमेन ट्री। इसका मेन एडवांटेज क्या मिलता है? ये दोनों कॉमन नेम शेयर करते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे एक google.com है और एक चाइल्ड डोमेन है जिसका नाम है india.google.com। डोमेन ट्री के अंदर आप पेरेंट डोमेन के साथ और भी चाइल्ड डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप पेरेंट चाइल्ड डोमेन को कनेक्ट करते हैं तो इनमें एक टू वे ट्रस्ट रिलेशनशिप बन जाती है। इसका एडवांटेज ये होता है कि जो पेरेंट डोमेन और चाइल्ड डोमेन के यूजर्स हैं वो एक दूसरे के डोमेन के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि अगर मान लो हेड ऑफिस का कोई यूज़र यहाँ से आके इधर लॉगिन करना चाहे यहाँ के कंप्यूटर में लॉगिन कर सकता है, और ऐसे ही अगर यहाँ का कोई यूज़र मान लीजिए हेड ऑफिस में जाता है और वो इस कंप्यूटर में लॉगिन करना चाहे अपने यूजर नेम से कर सकता है। इसके अलावा अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर आप और भी डोमेन ट्री क्रिएट कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई बड़ी कंपनी है उसने किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया और ऐसा होता है कि मान लीजिए google.com है उसने xyz कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो गूगल के यूजर्स को वहां पर जाके काम करना होगा, तो उसके लिए इनमें भी एक ट्रस्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें इसके अंदर एक फॉरेस्ट है और दो डोमेन ट्रीज हैं। यहाँ पे xyz पेरेंट डोमेन हो गया और ये चाइल्ड डोमेन ab.xyz.com, और यहाँ पे जो है पेरेंट डोमेन google.com है और इसका चाइल्ड डोमेन india.google.com और यहाँ पे uk.google.com। तो अब हम देखें हमारे पास फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डोमेन ट्रीज हैं और डोमेन ट्री के अंदर मल्टीपल चाइल्ड डोमेन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पे हम लगातार ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। थैंक यू।